नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शुक्र का वृश्चिक राशि में जो भ्रमण होगा उसका आपके राशि पर मतलब सिंह राशि पर जो प्रभाव है वह किस प्रकार से देखा जाएगा, कौन सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में लेनी बहुत ज़्यादा आवश्यक होगी, उसी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं इन सभी 12 राशियों पर शुक्र का जो प्रभाव होगा, शुक्र का जो वृश्चिक राशि में भ्रमण है उसका प्रभाव क्या होगा, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि का राशि पर जो शुक्र का प्रभाव होगा वो किस प्रकार का होगा। आपके राशि के लिए जो शुक्र है वो आपका दशमेश भी है और तृतीयेश भी है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह आपके लिए हो जाता है। और यह जो शुक्र का भ्रमण आपके चतुर्थ भाव में होगा जो कि शत्रु राशि में होगा, उसी प्रकार आपके चतुर्थ भाव का जो स्वामी है मंगल वह भी आपके द्वितीय भाव में शत्रु राशि में ही भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, अगर आप व्यवसाय करते हो या फिर नौकरी करते हो, वहाँ पर के जो स्ट्रेस या फिर टेंशन होंगे वो बहुत ज़्यादा आपको आ सकते हैं, ध्यान रखिए। क्योंकि इस महीने में ये जो तारीख है शुक्र की जो भ्रमण होगा वो करीबन 3 तारीख से लेकर 30 अक्टूबर मतलब 3 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का जो समय है इसमें शुक्र का भ्रमण होगा। तो इस दरमियान शुक्र और केतु की युति भी आपके चतुर्थ भाव में हो रही है, तो जो भी आप काम करते हैं वहाँ पर का जो स्ट्रेस होगा वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के कमिटमेंट या फिर प्रॉमिसेस इस महीने में बिल्कुल भी नहीं करना, अगर करते हो तो उसका बहुत ज़्यादा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। उसी प्रकार अगर किसी कारणवश अगर आप ट्रैवलिंग करते हो या फिर रिस्क लेके कोई काम करते हो तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो राशि है वह रिस्क लेने में काफ़ी आगे रहती है, तो उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस महीने में किए गए किसी भी प्रकार की जो ट्रैवलिंग है वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित नहीं होगी, तो ध्यान रखिए। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या फिर टेंशन या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स अगर आपको दिखाई देती है जो भी आप काम करते हो तो उसके ऊपर उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करना ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि इसके अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाते हो तो वो आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड काम जो भी है इस महीने में उसके संदर्भ में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, इसके ऊपर ज़रूर अमल करना और इसके जो अनुभव है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।